मोहसिन साहब पागल हो गए, फ्री में मिल रहा है तो ये बोल रहे हैं मैं सारी चीजें ले लूँ, बस इनको फ्री में मिल गई है ना यहाँ से, ये बोल रहे हैं मैं सारी चीजें ले लूँगा। अस्सलामुअलैकुम हेलो ब्रोस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। खुशामदीद होगी आपका एक और न्यू व्लॉग के अंदर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज खापे का प्रोग्राम हुआ कुछ दोपहर के टाइम पे। अभी आपने प्रीवियस वीडियो हमारी चेक करी, हम रात के टाइम पे गए थे कुछ जिंदगी का मजा खट्टे में दिखाने के लिए और खाने के लिए और चैलेंज करने के लिए। आज कोई चैलेंज वैलेंज का सीन नहीं है भाई। मैदे को भी देखना पड़ता है मेरे भाई। खाना पीना तो बहुत खा लिया, लेकिन ये है कि सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो आज हम लोग आए हैं 52 फूड्स के ऊपर, जो कि है नाजवाबाद पे और नॉर्थ नाजवाबाद लगता है। ये हैदरी मार्केट आप लोगों ने देखी होगी, जो बाइक्स वगैरह की यहाँ सेल लगती है सारी जगह पे, ठीक है, ये आपको दिखाएंगे। उसके बिल्कुल अपोजिट है ये बावन 52 फूड्स। डॉलमेन मॉल हैदरी की लाइन पे बिल्कुल आगे है। ये ऑलमोस्ट कोई 45 ईयर्स से रेस्टोरेंट बना हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मज़े के खाने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थाली है यहाँ पे, तो आपको थाली के विजिट भी कराएंगे। और सबसे यूनिक चीज़ यहाँ पे ये है कि ये फ्रोजन फूड्स भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि भाई वॉन्टॉन फ्री दे रहे हैं। कोई भी आइटम आप 12 पीसेस लेते हैं, 1 डजन परचेज करेंगे तो उस पर 1 डजन आपको वॉन्टॉन फ्री मिलेंगे। वॉन्टॉन फ्री, तो आ जाओ लूट लो ऑफर। गाड़ी स्टार्ट कर, चल। हाँ तो भाई मैं यहाँ पे अकेला नहीं आया, हमारे दोनों ब्रोस हैं। और ब्रोस हैं तो मतलब अकेले थोड़ी हम काम करेंगे भाई, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, मौज मस्ती करेंगे ब्रोस के साथ। और ये रेस्टोरेंट वाली साइड पर हम लोग पहुँच गए भाई। हाँ भाई, तीन आपका और है तो ये सब सालियत कवर करने आए हैं। और यहाँ हम खाएंगे हो सकता है अरे कहना क्या चाहते हो। ये है कि इनका जो सबसे पुराना किचन है ना, वो है नाजवाबाद पे। और अभी जो हम लोग खड़े हुए हैं ये हैदरी वाली साइड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये रहा डॉलमेन मॉल और ये रहा मोबाइल बाइक मार्केट, जो है वो कंप्लीट सारी जो ओल्ड बाइक्स यहाँ पे सेल होती हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, 52 का इन लोगों का वो रेस्टोरेंट जो इस हैदरी के अंदर है, ठीक है। और मैं अकेला नहीं हूँ, जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था कि दोनों ब्रोस जो हैं वो लगे हुए हैं भाई के खापा खोरी के अंदर। करना क्या है ओ भाई, कहना क्या चाहते हो। कहना ये चाहते हैं यहाँ पे ऑप्शन खुल गए हैं बहुत सारे, सही है, बहुत सारे समझ रहे हो ना, बहुत सारे। हेलो शिशि, मैं कुछ और दिखा रहा हूँ, उस चीज का जवाब दो। तुमने पहले मेरी बात काटी थी यार, वो कौन देगा खसारा या खजाना या क्या क्या होती है, खसारा या जो भी है। जिस दिन तुम खसारा लिखना सीख गए उस दिन इस बात का जवाब मिल जाएगा तुम्हारे को। ये जो है ना, ये उर्दू को किसको चलेगी हो, लुगस हैं जी भाई, ये थाली के रेट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। अबे इन सबको छोड़ो, हम कौन सी खा रहे हैं। अबे भाई भूख लग रही है यार, इसमें ज्यादा होगा वही खा ले। हाँ तू तो बस तो भाई ऑर्डर देने का मूड बन गया इन लोगों का, तो आपको दिखाते हैं ये ऑर्डर दे क्या रहे हैं भाई। क्या ऑर्डर दे रहे हो भाई, क्या फाइनल हुआ, अभी तक कर रहे हो। हम एक स्पेशल थाली इनकी हमने ऑर्डर करी है, ठीक है, आपको दिखाते हैं स्पेशल थाली में कितना कितना मनोरंजन है। ये पापड़ी, ये क्या है भाई, चिलोज, कबाब, चिकन स्टिक, भाई वाह, भाई वाह। ये क्या है ओबे, ड्रम स्टिक भी है भाई इनकी तो इसमें। और ये क्या है, ये अचार। ये क्या है भाई, कस्टर्ड और रायता। भाई मतलब क्या चाह रहे हो भाई, कितना देना चाह रहे हो। अबे ब्रोज इधर देख लो भाई। अबे भाई क्या चाह क्या रहे हो भाई तुम लोग भाई। अब ये चाह रहे हैं इसको देख रहे हैं तो फिर इसको देख रहे हैं। हां सारा लोग मुझे ही खा रहे हैं, बस इसको देख रहे हैं। बस तुम लोग घर चले जाओ, तुम लोग घर चले जाओ, इसको देखो और फिर इसको देखो, हमें नहीं देखो। और ये दाल के अंदर मक्खन के तड़के के साथ हमारी थाली रेडी हो गई है। अब इसको हम ब्रोज जो है ना वो ठूसेंगे, वो ठूसेंगे। अली तो ठूसेगा ना, मैं भी खाता हूं, तू ही ठूसता है भाई। ये थाली आ रही है और ये दो शरीफ से इंसान बैठे हैं। क्या बोला तूने? खाना खाने के लिए सही है, जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा खाना है, जिन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा खाना है, जिन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा नहीं खाना। ये तो चखेंगे सिर्फ। तू चुप ना रे। कैसे चखते, कैसे? कहाँ गया? अबे कहाँ गया? सब लोगों ने देखा है लास्ट वाली वीडियो में कौन दादा खाता है। हाँ ये हुआ है, देखो बिना राबता भाई है, नहीं नहीं ऐसी कोई कहानी नहीं होती। हम लोग बैठ गए ठूसने के लिए, मतलब है खाने के लिए, ठूसने के लिए नहीं, वो एक मजाक था भाई। ये ठूसता है, हम लोग खाना खाते हैं, सही है। ये ठूसता है, नहीं नहीं ये ठूसता है, ठूसता है। हम लोग बहरहाल खाने के लिए बैठे तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अली भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। मैंने बिस्मिल्लाह पहले ही पढ़ लिया। अच्छा पहले से, ये रास्ते में ही पढ़ के आया था, ये इसलिए हम इसलिए तो कहाँ ठूस रहा है, घर से पढ़ के, रास्ते से ही पढ़ता हुआ आया बिस्मिल्लाह। भाई आपको फ्लेवर भी बताते हैं। ये दाल है मिक्स करी, ये मोहसिन भाई स्टाइल भाई वाह। बहुत जगहों की दाल खाई है, ठीक है। मेजॉरिटी सीन ये होता है कि चिकन का जो है ना वो रेशा होता है स्लाइटली बहुत कम ना होने के बराबर, और चने की दाल घुमा देते हैं, जिसकी वजह से लेस पैदा होती है दाल के अंदर और फ्लेवर बहुत चेंज होता है। यहाँ प्योर मूंग मसूर की दाल है, थोड़ा सा स्पाइस लेवल भी ऊपर है, फ्लेवर अच्छा है। बटर ऐड करने के बाद जो है ना इसका मजा ही दोबाला हो गया है। क्या हो गया? दोबाला। अरे भाई क्या हो गया, दो बाल वाला? क्या दो बाला? अबे तू तो बाल वाला ही नहीं है, तू तो बाल वाला ही नहीं है। अबे बाल वाला ही है ये तो बाल वाला। अरे भाई आपके रिव्यूज का वेट कर रहा हूँ यार मैं। इनको एक ही चीज आती है, अच्छा है या बुरा है, क्या है? अच्छा भाई वाह। अली भाई चलो ये ओ तेरी तरह। हाँ अली भाई इधर कैसा है? अच्छा बोल दो भाई, आप खा लो खत्म हो जाएगा। ये चिलोज है, समझ रहे हैं ना, चिलो पेरी बाइट्स। इसमें भी आलू मतलब अली के पास भी है, मेरे पास भी। थोड़ी मिर्ची है इसमें क्योंकि इसके बीज सही तरीके से निकाले नहीं गए, थोड़ा सा अगर निकाल देंगे तो फिर वो चटपटा सा जो फ्लेवर आता है वो खत्म हो जाता है। तो बहुत अच्छा है, इसमें सोंधा बना बहुत अच्छा है, ठीक है। ये वही मांडा पट्टी की पापड़ी बनाई हुई है जिसके आप कीमे के समोसे खाते हैं, रमजान में दबा के खाते हैं। ये वही दबा के इन्होंने फ्राई करी हुई है। अभी पता लगा मांडा पट्टी क्या होता है, इनको पता ही नहीं है मांडा पट्टी। ये कौन है? इनको ठूसने से फुर्सत मिले तो फिर इन्हें पता चले कि ये ठूस क्या रहे हैं। यार नाम जानने से कोई फर्क थोड़ी पड़ा चाहिए, थोड़ी होगी। अली भाई बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज खा रहे हैं। अली क्या है, खीरा। ये इनको बोलेंगे कपड़ी खा रहा हूँ मैं, मोटी वाली। देखा क्या हाल है। तो भाई खाना खत्म करते हैं, फिर आपके पास साथ बैठ के बात करेंगे, मजीद कपड़ी करेंगे और एंजॉय करेंगे। आपको कहीं और मूड होगा तो कहीं और भी लेके जाएंगे। फिलहाल जरा पापा करने दो, आ जाओ हमारे साथ। भाई ये देखें बेशर्मी की हद, देखें दोनों ठूस रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे कैमरा मैन तुम भी आ जाओ। ये देखो अभी कैमरा बंद होगा ना, ये देखो फिर ये जो है ना, ये आपकी जो आदत है ना वो एक रूम है हमारे पास, उसके अंदर जाते हैं मोहसिन भाई नहीं जो है फौरन आपने मुंह का इशारा उनका समझ लिया होगा। किस रूम में जाते हैं अली भाई? ये सवाल ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। हाँ भाई ये कैसी है? अच्छा आप लोग देख रहे होंगे ये चिकन स्टिक को दाल में डिबो के क्यों खा रहे हैं भाई। ये इसका इनका ट्रेंड ही यही है कि आपने चिकन स्टिक दाल के साथ ही ट्राई करनी है। तभी उसका सही स्वाद आएगा, वरना स्वाद और द्वाद में फंसे रहेंगे आप लोग, समझ रहे हैं ना आप, स्वाद और द्वाद में फंसे रहेंगे। अरे अली क्या खा रहा है अली, तुम बात नहीं कर रहे यार, खाते में बात क्यों नहीं करते तुम? खाना दिखा रहा है। हाँ खाना दिखा रहा है, क्या खा रहे हो तुम? अली ये गाजर होती है। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ मोहसिन भाई, ये बड़ी थाली अली भाई के लिए बनी है, छोटी थाली हमारे लिए बनी है। अली भाई ये क्या टेस्ट है, अली भाई ये क्या टेस्ट है यार, जो दे दो वो खा लेता है। नहीं अली भाई आपने बोला मेरी भाई ये बड़ी वाली बनवाना, मेरी भाई ये बड़ी वाली बनवाना, मैं छोटी नहीं खाऊंगा। ये हमारे सनी देओल है, वन एंड ओनली टीटी उर्फ। अच्छा टीटी का जो सनफेस है ना ये किसी और ब्लॉग में तोड़ेंगे, अभी तोड़ने का मूड नहीं है, किसी और ब्लॉग में तोड़ेंगे। टीटी के पीछे क्या? फिलहाल तुम ये डंडी तोड़ो। हैं डंडी? डंडी तोड़ते हैं वसीम भाई, डंडी तोड़ते हैं, देख रहे हो आप, डंडी तोड़ते हैं, डंडी तोड़ी जाती है वसीम मेरे दोस्त, डंडी तोड़ी जाती है, ली ये दी नहीं जाती ना, ली जाती है ना दी जाती है, तेरे तोड़ी जाएगी। ये फंस गया, मैंने कुछ नहीं बोला भाई, वसीम मैं बेकसूर हूँ, वसीम मेरे दोस्त मैं बेकसूर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, साथ खड़ा हूं तो क्या हुआ? नहीं वसीम के दो ही दोस्त हैं बेस्ट फ्रेंड, एक है जुहेब हसन और एक है वन एंड ओनली अली टीडी। नो कमेंट्स। तो भाई थाली जो है ना मेरी तो खत्म हो गई, मैंने अकेले ने नहीं खाया, इसने भी खाया। झूठ बोल रहा है। ये देखो मेरा खत्म करवा के ना अब दूसरी प्लेट में शुरू हो गया, ठीक है। ये कैसी है भाई दाल? जो है ना दाल है मखनी, मखनी दाल में मत दाल मखनी खा रहे हैं मखनी। तो भाई ये बड़ी जल्दी में खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे राइस की जो रिफिल है ना वो बिल्कुल फ्री है, दाल की भी मिलती है भाई, दाल की भी मिलती है। अभी राइस फिल करवा के लाता हूँ मैं, जरा सब्र करो सबर करो, रुको जरा। अब नहीं आना, अब नहीं आना तुम। अरे मैं समझा उसने बोल दिया अब नहीं आना भाई, मैंने तो खाना है। हेलो अली भाई ये क्या है? ये आपको थोड़ी वीडियो में मोहसिन भाई के अलग अलग स्टाइल दिखेंगे। अच्छा एक्सप्रेशन नहीं है ये, एक्सप्रेशन नहीं है, नहीं एक्सप्रेशन नहीं है ये चीजें है ना, ये चंद लोग हैं हमारी जिंदगी में, लोग जिनकी मोहसिन भाई से बहुत मोहब्बत है, मोहब्बत समझ रहे हैं ना आप, आज क्योंकि जो मोहब्बत है उसको हम दूसरे अल्फाज बोलते हैं, वो अल्फाज बोल नहीं सकते हम वीडियो में। तो मोहसिन भाई की जिन लोगों से मोहब्बत है ना, जो लोग मोहसिन भाई को चाह के मोहब्बत करते हैं, वो बताएंगे मोहसिन भाई ने जो भी एक्सप्रेशन दिया है ना, और मोहसिन भाई और कौन सी चीजें करता है, कौन सी करके दिखाना आने का टाइम पे। नो आलतू फालतू। अभी भाई ये जगह दिखाओ जरा, ये दिखाओ ना। अबे उसको भी दिखा लो, क्या मेरे को दिखाते रहोगे? खा रहा हूँ मैं, खाने भी नहीं देते बगैर भाई। ये देख लो, ये सब बोले थे मेरे पास बड़ी, मैंने अभी तक खत्म नहीं की है। अच्छा भाई एंड पे जो है ना ट्विस्ट ये है कि खत्म करने के बाद अली भाई ने जब खत्म करनी है, अली भाई ने रिफिल के लिए रोना है। तो बच्चे नहीं रोते हैं, नहीं 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 मुझे ये तोहफा चाहिए चाहिए चाहिए, ये रिफिल मांग, ये मीठे में, ये मीठे। वो कहते हैं ना जब कोई बंदा ले रहा होता है या एक के बाद एक आलू दे रहा होता है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है। तो हमारी जमाने में सोचते हैं सर कि मीठे में भी कुछ लेंगे, तो ये कस्टर्ड आ गया, उन्होंने पहले ही दे दिया, उन्होंने पहले ही ले लिया कि सर हम ये रोते हुए आएंगे, रुल रुला के रोते हुए आएंगे, पहले ले लो खूब बड़ा खूब लो खाओ। ये आ गया भाई कस्टर्ड आ गया, कस्टर्ड का ट्राई करते हैं। भाई वाह यार अली, टेस्ट है ना सब चीज़ों का ऐसा है सिमिलर जैसे आप घर के खाने नहीं खा रहे, ये घर का टेस्ट होता है ये वो, लेकिन जो दाल मखनी है ना वो यार भाई वाह, उसने टेस्ट जो है दोबारा कर दिया। अरे भाई आप अली का लेवल चेक करें, अली अभी रिफिल कराने गया है तो कितना भर के दिया है, दाल भी भर दी, चावल भी डबल, साथ में ये चिलोस भी दे दिए। मतलब मैंने क्या बिगाड़ा था भाई, मैं क्या रिश्तेदार मुझे तू तसा दिया, चार भी दे दिया यार। तो भाई क्या ये खुला ताजाद नहीं? ताजाद तो आपको भी दिया था। नहीं, ये पुराना मैंने खाया ही नहीं था। मैंने खाया ही नहीं। तो जब नहीं खाया तो सामने वाला कैसे देगा भाई, जब नजर नहीं आया हूँ ना यार। मतलब कोई बात नहीं, पानी की बोतल आ गई, फिलहाल मैं पानी पीता हूँ, बाद में बात करूंगा मैं आपसे, तो बता देना। हाँ तो ब्रोस, हम लोगों ने यहाँ पे खापा खत्म कर लिया है। अली भाई हमारे यहाँ से रवाना हो रहे हैं अपने एक काम के सिलसिले में, ठीक है। और हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे अपने अपने कामों पे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से व्लॉग्स जो है ना वो आप लोगों को मज़ीद और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स जो हैं वो एक्सप्लोर करें, और फूड व्लॉग्स बनाएं और ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाएं। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियोस को इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है अभी। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए इसी तरीके की मज़ीद वीडियोस जो है वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द लेके आएंगे। बीच में थोड़ा सा गैप ज़रूर आया था कुछ मसरूफियात की वजह से, इंशाल्लाह मज़ीद आप कोशिश करेंगे कि इतना लंबा गैप आप लोगों के लिए ना आए। उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।